हेलो गाइज, आज मैं बनाने वाली हूँ इडली। तो उसके लिए हमने 3 कप चावल और 1 कप उड़द दाल हमने 4 घंटे पहले ही इसे भिगो के रख लिया था और ये अच्छे से फूल गई है। इसके बाद हमने इसको पानी से छान करके एक जार में डाल लिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमको एकदम से स्मूथ बैटर चाहिए। बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको 4 से 5 घंटे रेस्ट पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। 5 घंटे हो गए हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इडली का स्टैंड लेंगे, उसमें हम ऑयल लगाएंगे और इस बैटर को इसमें डाल देंगे। हमने गैस पे एक बर्तन चढ़ा लिया, उसमें हमने पानी डाल करके पानी भी गर्म कर लिया। पानी गर्म हो गया है। अब हम स्टैंड बर्तन में रख करके और इसको हम कम से कम 15 मिनट तक कुक करेंगे। 15 मिनट के बाद ये इडली बनके तैयार हो गई है, एकदम सॉफ्ट एंड स्पंजी बनी है। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब।